WWE के दो बड़े धमाकेदार रेसलर, यानी कि एक तरफ है अपने बॉडी से और अपने एक्शन से बढ़कर एक रेसलर के छक्के छुड़ा देने वाले ड्वेन जॉनसन या फिर कहे द रॉक, और दूसरी तरफ दोस्तों अपने स्पीयर और सुपरमैन पंच से दुश्मनों को पानी पिला देने वाले रोमन रिंग्स। दोनों ही स्टार धमाकेदार रेसलर के साथ ही साथ बहुत बड़े फिल्म एक्टर हैं, और आज की वीडियो में पता करने वाले हैं मूवीज के सेक्टर में एंड रेसलिंग के सेक्टर में कौन है नंबर वन, कौन है बेहतर। साथ ही साथ पता करेंगे जब भी बात आती है बॉडी बिल्डिंग, एक्शन और स्टंट, इन तीनों फील्ड में यानी फुल्ली एक्शन वाली वीडियो होने वाली है, और आपको वोट करना है कमेंट बॉक्स में, जिताना है आपको अपने फेवरेट रेसलर को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लाइक का बटन दबा करके, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन दबाएं, अपने फेवरेट रेसलर को जिताएं। सबसे पहले बात करने वाले हैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में, जहां पर द रॉक की डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 1972 एंड रोमन रिंग्स की डेट ऑफ बर्थ है 25 मई 1985। एंड अब बात करने वाले दोस्तों एज के बारे में, जहां पर द रॉक की एज है 48 इयर्स एंड रोमन रिंग्स की एज है 35 इयर्स। एंड दोस्तों अब बात करने वाले हैं फुल नेम ऑफ आवर रेसलर। दोस्तों द रॉक का फुल नेम या फिर रियल नेम है ड्वेन डॉगलस जॉनसन, एंड ये बिलोंग करते हैं कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। एंड रोमन रिंग्स का रियल नेम या फिर कहें फुल नेम है लेटाई जोसेफ अनोय, एंड ये बिलोंग करते हैं फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और दोस्तों अब बात करने वाले हैं हाइट के बारे में, जहां पर द रॉक की हाइट है 6 फीट 5 इंच एंड द रोमन रिंग्स की हाइट है 6 फीट 3 इंच। और अब बात करने वाले हैं वेट के बारे में, जहां पर द रॉक की वेट है 118 किलोग्राम एंड रोमन रिंग्स की वेट है 120 किलोग्राम, और दोनों ही रिश्ते में कजन लगते हैं। और दोस्तों अब बात करने वाले हैं प्रोफेशन के बारे में, जहां पर द रॉक एक धमाकेदार रेसलर, एक्टर, वॉइस एक्टर, स्टंटमैन, बॉडी बिल्डर, जिम ट्रेनर, फिल्म प्रोड्यूसर, बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर, साथ ही साथ एक बिजनेसमैन। दूसरी तरफ रोमन रिंग एक खतरनाक रेसलर, फिल्म एक्टर, वॉइस एक्टर, स्टंटमैन, फुटबॉल प्लेयर, बॉडी बिल्डर, ऑसम मॉडल, यानी दोनों के दोनों धमाकेदार रेसलर हैं, मल्टी टैलेंटेड रेसलर्स। और दोस्तों अब बात करने वाले हैं डेब्यू के बारे में बोथ मूवीज एंड रेसलिंग वर्ल्ड में, जहां पर रॉक ने रेसलिंग में डेब्यू किया था 1996 में एंड रोमन रिंग्स ने डेब्यू किया था रेसलिंग में 2010 में। साथ ही साथ मूवी डेब्यूज के बारे में बात करें, द रॉक की हॉलीवुड में आई डेब्यू मूवी थी 2001 की द मम्मी रिटर्न, एज विलन का उनका रोल था। दूसरी तरफ रोमन रिंग्स की डेब्यू मूवी थी 2019 में आई हॉलीवुड धमाकेदार एक्शन मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट हॉब एंड सॉ, जहां पर एक्शन अवतार में रोमन रिंग्स नजर आए थे। और अब बात करने वाले हैं दोस्तों टोटल मूवीज के बारे में, जहां पर द रॉक ने अब तक एटलीस्ट 31 फिल्मों में काम कर चुके हैं एंड रोमन रिंग्स ने अब तक एटलीस्ट 5 फिल्मों में काम कर चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करें फ्लॉप मूवीज के बारे में, जहां पर द रॉक की 6 मूवीज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, रोमन रिंग्स की 0 मूवीज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। बात करें दोस्तों हिट मूवीज की, जहां पर द रॉक की 12 मूवीज बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, रोमन रिंग्स की 2 मूवीज बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। बात करें सुपर हिट मूवीज की, द रॉक की 3 मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही, रोमन रिंग्स की 1 मूवीज बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। बात करें ब्लॉकबस्टर मूवीज की, 7 मूवीज ब्लॉकबस्टर रही बॉक्स ऑफिस पर एंड रोमन रिंग्स 1 मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित रही। और अब बात करने वाले दोस्तों रेसलिंग मैचेस के बारे में, जहां पर रोमन रिंग्स ने अब तक
950 से भी ज्यादा मैचेस खेले हैं और उनमें से 650 से ज्यादा मैचेस जीते हैं। दूसरी तरफ द रॉक ने 910 से ज्यादा मैचेस खेले हैं और लगभग 600 मैचेस उन्होंने जीते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करें WWE चैंपियनशिप के बारे में, जहां पर द रॉक ने 8 टाइम WWE चैंपियनशिप के खिताब के साथ नवाजे जा चुके हैं एंड दूसरी तरफ रोमन रिंग्स WWE में 3 बार चैंपियनशिप रह चुके हैं। और दोस्तों अब बात करने वाले हैं सैलरी पर मूवीज ऑफ आवर रेसलर, जहां पर द रॉक हॉलीवुड में लेते हैं एक फिल्म में काम करने के लिए 150 करोड़ रुपए एंड रोमन रिंग्स लेते हैं लगभग 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए। साथ ही साथ दोस्तों बात करें नेटवर्थ के बारे में, जहां पर द रॉक की नेटवर्थ है $320 मिलियन एंड रोमन रिंग्स की नेटवर्थ है $12 मिलियन। साथ ही साथ दोस्तों बात करें अवार्ड्स की, जहां पर द रॉक ने 20 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मूवीज रिलेटेड जीत चुके हैं एंड दूसरी तरफ रोमन रिंग्स ने 3 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत चुके हैं। और दोस्तों अब बात करने वाले हैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में, जैसा कि दोनों ही धमाकेदार रेसलर एक से बढ़कर एक बॉडी बिल्डर है और दोनों की बॉडी है एकदम धमाकेदार औसम। रोमन रिंग्स के बाइसेप्स है 18.5 इंच एंड द रॉक की बाइसेप्स है 20 इंच। और साथ ही साथ दोस्तों बात करें वेस्ट और वेस्ट दोनों के ही 35 इंच, यानी कि बॉडी में है मुकाबला खड़ा। और अगर बात करें दोस्तों एक्शन में, तो दोनों ही हॉलीवुड में एक्शन फिल्में के लिए ही जाने जाते हैं, जहां पर हम सभी ने फास्ट एंड फ्यूरियस, हॉब एंड सॉ में दोनों के ही एक्शन भरी फाइट देखे हैं। और दोनों ही एक्टर सारे के सारे स्टंट खुद ही परफॉर्म करते हैं, यानी कि दोस्तों बॉडी बिल्डिंग स्टंट और एक्शन में मुकाबला बहुत ही कड़ा। हालांकि इन दोनों फाइटर ने आज तक कभी भी WWE में एक भी बार रेसलिंग नहीं की है। साथ ही साथ दोस्तों अब बात करने वाले हैं वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग्स के बारे में, जहां पर द रॉक वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग है 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ से भी ज्यादा एंड द रोमन रिंग्स की पूरे दुनिया भर में 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ से भी ज्यादा फैन फॉलोअर्स मौजूद है और यह आंकड़ा बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो दोस्तों अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है कि अगर इन दोनों में फाइट किया जाए तो कौन जीतेगा, कौन है बेहतर, कौन है नंबर वन? अगर द रॉक को जिताना चाहते हो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो रॉक। अगर रोमन रिंग्स को जिताना चाहते हो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो रोमन रिंग्स। साथ ही साथ आप अगले वीडियो के लिए हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, इसी तरीके से बेहतरीन वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दें। और आप भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशन हमें, कुछ टॉपिक हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम आईडी लिंक दे दिया है। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आप सभी से मुलाकात होगी दूसरे बड़ी धमाकेदार वीडियो में। चलता हूं दोस्तों, गुड बाय।